द फुगू सिप आमतौर पर देखा जाए तो हम इजिप्ट को वहां पर बने पिरामिड के कारण ही मुख्य रूप से जानते हैं जिन्हें आर्किटेक्ट का एक मशहूर नमूना कहा जा सकता है अगर आपने अभी तक को नहीं देखा तो आपको उसे जरूर देखना चाहिए इसे वैज्ञानिकों द्वारा बिल्कुल उसी सिचुएशन में बाहर निकाला गया जैसा की इसे दबाया गया था और उसके सभी हिस्से बिल्कुल सही सलामत है यह सिप लगभग ढाई साल पुरानी है कहा जाता है की उन लोगों ने इसे उसी समय जमीन में दफा ना दिया था ताकि जब उनकी पीढ़ी गुजर जाएगी तो वो इन जहाजों को फिर से बाहर निकाल कर इसकी टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि यह कारीगरी कहीं लुप्त ना हो जाए इसलिए इसे एक नमूने के तौर पर रखा गया था लेकिन वो लोग इसे बाद में निकाल नहीं पाए और ये हमारे सामने मौजूद है इसके बारे में कमाल हेलमार्क नाम के एक इतिहासकार को पता चला और उसने उसकी खोजबीन शुरू कर दी और जब ये उसे मिला तो वो काफी ज्यादा शौक हो गए क्योंकि यह काफी ज्यादा अच्छी हालत में था जिसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था यह आज तक का सबसे पुराना जहाज है जो काफी अच्छी हालत में मौजूद है इस बात का अंदाज आप इससे भी लगा सकते हैं अगर वैज्ञानिक इसका प्रयोग आज के समय में भी करना चाहे तो वो आसानी से कर सकते हैं और वो सही से तैरने भी लगेगा इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय की इंजीनियरिंग की तकनीक काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की हुआ करती थी वैज्ञानिकों ने इसे जोड़ने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की और जोड़ने के बाद इसे एक म्यूजियम में रखा गया जिसके बाद साल उन्नीस में यह सिर्फ म्यूजियम में बिल्कुल इसी हालत में रखा गया और 2021 आते आते इसे इजिप्ट के ग्रैंड म्यूजियम में रख दिया ताकि आम लोग भी इसे आकर आसानी से देख सके चलिए अब बात करते हैं उस फोटो की जिसे देख आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं बात कुछ ही दिन पहले की है जब इजिप्ट में इतिहासकारों द्वारा जब रिसर्च की जा रही थी तो उन्होंने एक रोबोट मशीन को पिरामिड के अंदर अंदर निरीक्षण के लिए भेजा ताकि वो उसके अंदर की वीडियो से वहाँ के रहस्यों को देख सके लेकिन जो कुछ इस मशीन के सामने आया उसको वैज्ञानिकों ने पहले कभी नहीं देखा था और ना ही उन्हें इस बात का अंदाजा था कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी मिल सकता है रोबोट को इस पिरामिड के अंदर मौजूद एक चैम्बर में भेजा गया और इसके अंदर जो मिला वो आपके सामने है पहली नजर में ऐसा लगता है की ये कोई प्राचीन भेड़िया है जो की गलती से इसके अंदर जाकर फंस गया और बाद में मम्मी बन गया इसने बाहर निकलने की कोशिश तो काफी की होगी लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया और इसी प्रकार रह गया जिसके चलते आज के समय में सिर्फ इसका कंकाल ही बचा इजिप्ट के चोर अन्य दुनिया से काफी ज्यादा अलग है क्योंकि वह कभी भी घरों या दुकानों में चोरियां नहीं करते क्योंकि वो लोग वेट करते हैं रिसर्चर्स द्वारा खोजी गई चीजों को चुराने की बात 1940 की है जब मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर पियर मोनारो ने एक बड़े ही लिसान मकबरे की खोज कर डाली वो मकबरा सूजन द फर्स्ट का था अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि ये वही राजा था जिसने टेनिस शहर को इजिप्ट की पहली बार राजधानी घोषित किया था लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसके मकबरे को खोजने के बाद इसके अंदर जाना चाहा, तो उन्हें पता चला कि इस मकबरे में पहले भी कोई आ चुका है और वो थे इजिप्ट के चोर यहाँ पर चोर काफी बार आए थे क्योंकि उन्होंने सूजन द फर्स्ट का सोने का मास्क वहाँ से चुरा लिया था और इसके साथ साथ उन्होंने सोने के कुंडल और चांदी से बना हुआ ताबूत भी चुरा लिया था उन्होंने इस बात की परवाह बिल्कुल भी नहीं की कि वो इतिहास के अमूल्य धरोहर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं जिसके बाद वैज्ञानिकों ने वहाँ पर खोजबीन शुरू कर दी और वहाँ पर उन्हें सिर्फ राजा का शरीर ही मिला दोस्तों आज के लिए बस इतना ही लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं पुष्पा मूवी रियल लाइफ में किसके ऊपर बनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए तो दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ